महाराष्ट्र में बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने आज छोड़ दिया है गुवाहाटी का रेडिशन ब्लू होटल। आखिरकार क्यों छोड़ा उन्होंने और पहली बात विवाद पर शिंदे ने मीडिया के सामने खोला है मुंह। और हमारे सभी दर्शकों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हम ही असली शिवसेना है, एकनाथ शिंदे ने यह दावा किया है। मैं सभी विधायकों को मुंबई ले जाऊंगा, एकनाथ शिंदे ने दावा किया है और मीडिया के सामने मुंह खोलते हुए कहा सभी विधायक यहां अपने इच्छा अनुसार ही आए हैं। बाला साहेब ठाकरे जो है वो हिंदुत्ववाद की बात करते हैं और हमें उन पर विश्वास है, एकनाथ शिंदे ने ये मीडिया के सामने खुद कहा है। बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्ववादी थे, मैं उन पर विश्वास करता हूं और इसीलिए मुंबई लौटना चाहता हूं। और हमारे सभी दर्शकों के लिए है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और कई दिनों से गुवाहाटी के रेडिशन ब्लू होटल पर ठहरे थे एकनाथ शिंदे बागी विधायक। महाराष्ट्र के सीएम ने उनको बागी विधायक कहा था क्योंकि वो बगावत करके गुवाहाटी के रेडिशन ब्लू होटल पर पहुंचे और साथ ही उनके कई सारे विधायकों ने उनके साथ गुवाहाटी के रेडिशन ब्लू होटल पर कई दिनों से ठहरे हुए थे। लेकिन मीडिया जो है वो कई दिनों से उनके साथ बात करना चाहती थी, लेकिन एकनाथ शिंदे जो है वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन आज पहली बार मीडिया के सामने एकनाथ शिंदे ने अपना मुंह खोला है। उन्होंने कहा है कि वो ही असली शिवसेना है, मैं सभी विधायकों को मुंबई वापस ले जाऊंगा और जो बागी विधायक उनके साथ गुवाहाटी के रेडिशन ब्लू में ठहरे हुए थे उन सभी विधायकों के साथ वो फिर से मुंबई वापस लौटना चाहते हैं और सभी विधायक यहां अपने इच्छा अनुसार आए हैं, एकनाथ शिंदे ने ये दावा किया है। बाला साहेब ठाकरे की बातों पर हम विश्वास करते हैं इसीलिए मुंबई लौट रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व में विश्वास करते हैं। और इसी बीच मीडिया के सामने उन्होंने क्या कहा ये सुन लेते हैं। भाई थोड़ा सा इधर भाई, हट जरा से, भाई भूमिका है कि भूमिका क्या पर्यंत वारंवार मांगता है कि सभी माहिती जी आहे हे आमचे सरकार जे आहे प्रवक्ते जे स्पोक्स पर्सन आहे की तुम्हाला वेळोवेळी माहिती देता है। हमारे जो स्पोक्स पर्सन है केसरकर जी है वो आपको पूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन जो हमारा जो स्टैंड है हमारी जो भूमिका रही है अरे भैया हाथ तोड़ ऊपर उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहेब ठाकरे नेतृत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में धक्का मत देना, इतना धक्का दे रहा मेरे को, आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है अगला भाई जो भाई है, भाई। उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे बिल्कुल। आणि मी तुम्हाला पुन्हा या बाबती मध्ये पूर्ण माहिती दीपक केसरकर हे शिव या आमच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते आहेत, ते तुम्हाला वेळोवेळी माहिती देतील आणि सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत प्रत्येक जो आमचा स्टँड आहे आमची जी स्टेप आहे त्याची माहिती प्रवक्त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला मिळेल। आपण निश्चिंत राहा, आपण काळजी करू नका, इकडे सगळे लोक जे आहेत हे सगळे लोक अगदी आनंदात आहेत। जी माहिती बाहेरून येते आहे की आमच्याबरोबर एवढे संपर्कात आहेत तेवढे संपर्कात आहेत, कृपया त्यांनी नावं सांगावी आणि मग त्याचा स्पष्टता या ठिकाणी येईल। याच्यामध्ये खोटी माहिती दिशाभूल करण्याचं काम समोर जे लोक आहेत ते करतायत, त्यामुळे त्याच्यावर कुणी विश्वास ठेवण्याची आवश्यकता नाही। इथे 50 लोक आहेत, हे 50 लोक स्वतःच्या मर्जीने आलेत आणि ते खुश आहेत, आनंदी आहेत, एक भूमिका घेऊन आम्ही आलेलो आहे। या कुठल्याही परिस्थितीमध्ये स्वतःच्या स्वार्थासाठी इथे 40-50 लोक आलेले नाहीत, एक हिंदुत्वाची भूमिका बाळासाहेबांची भूमिका घेऊन या ठिकाणी हे लोक आलेले आहेत। त्यामुळे आता पुढची जी काही माहिती आहे ही दीपक केसरकर आपल्याला देत। और बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं इसीलिए एकनाथ शिंदे भी मुंबई वापस लौटना चाहते हैं और वो इस बार बीजेपी के साथ मिलाकर महाराष्ट्र में नए सरकार बना सकते हैं। बागी विधायक एकनाथ शिंदे जो काफी सुर्खियों में है, गुवाहाटी के रेडिशन ब्लू होटल में ठहरे हैं एकनाथ शिंदे के साथ ही कई बागी विधायक और वो वापस मुंबई लौटना चाहते हैं बागी विधायकों के साथ और उन्होंने कहा है कि वही असली शिवसेना है।
बालासाहेब ठाकरे की बातों पर हम विश्वास करते हैं। बालासाहेब ठाकरे हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, इसीलिए हम भी उनकी राह पर चलेंगे। महाराष्ट्र के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने छोड़ा रेडिशन ब्लू और मीडिया के सामने पहली बार मुंह खोला एकनाथ शिंदे ने।